सीएम शिवराज की वापसी ने दिग्गजों को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है। लग रहा था कि गंगा के तट पर चले गए हैं, दुखी हैं, भावुक हैं, लेकिन सीएम शिवराज की वापसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएम शिवराज रेस में बरकरार हैं। और सीएम शिवराज का जादू क्यों पार्टी के सिर से खत्म नहीं होता, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और क्यों सीएम शिवराज की जो वापसी हुई हरिद्वार के बाद, उसके बाद अब सियासी मायने साफ है, संदेश साफ है कि सीएम शिवराज रेस से बाहर नहीं है, सीएम शिवराज अभी भी पार्टी के लिए काफी उपयोगी है, उसकी वजह समझिए। कहा गया कि जब भावुक भाषण आया, लिस्ट में नाम नहीं आया था, जब तक बुधनी से कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे पहले तमाम अटकलें लगाई जाने लगी कि सीएम शिवराज जो है वो पार्टी की तरफ से साइडलाइन हो गए हैं। लेकिन जैसे बुधनी से टिकट मिला, ये अटकलें जो हैं इन पर विराम लग गया और फिर ये स्थिति आई कि पार्टी प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी कि जब समय होगा तब टिकट दिया जाएगा। इसके मायने ऐसे समझिए कि जिस दौर में कांग्रेस मजबूती से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हो मध्य प्रदेश में, वहां पर केवल एक योजना लाडली बहना योजना, उसका प्रभाव नजर आया। पार्टी ने भी महसूस किया कि ये योजना सामान्य नहीं है, ये गेम चेंजर वाली स्थिति में लाने वाली यही योजना है मध्य प्रदेश में। और सच भी है, ये जिसे समीक्षक भी मानते हैं राजनीतिक, कि अगर कुछ फर्क आएगा मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना ला सकती है। अब सीएम शिवराज के जाने के बाद लगा ऐसा कि सीएम शिवराज अगर लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट चाहिए आपको मध्य प्रदेश में, तो सीएम शिवराज को हर गांव कस्बे या बड़े जगहों पर जाना पड़ेगा। और अगर सीएम शिवराज ही साइड हो जाएंगे तो शायद फिर स्थिति दूसरी हो जाएगी पार्टी के सामने। यही वजह है कि राजनीति में मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज को बड़ा खामोश खिलाड़ी कहा जाता है। वो काम पर यकीन रखते हैं और जमीनी स्तर पर क्या होता है कि कनेक्टिविटी के मामले में, जैसा कि कई निजी चैनलों ने भी सर्वे कराए और पता चला कि जो जनता से कनेक्टिविटी है वो सीएम शिवराज सिंह की ज्यादा बेहतर है। जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करने की कला, आपने देखा भी होगा भाषण देते देते कब जनता के बीच में घुल जाना, मिल जाना, वैसा वक्ता कहें या उस तरीके का कोई चेहरा मौजूदा दौर में बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ने भले अपने दिग्गजों को, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया हो, लेकिन क्या जनता के साथ संवाद करने की क्षमता किसी और में है सीएम शिवराज के अतिरिक्त? ऐसा फिलहाल होता हुआ पार्टी को भी नजर नहीं आया। यही वजह है कि पार्टी ने सीएम शिवराज को टिकट देकर ये भी संदेश दे दिया हुआ, जो गणित लगा रहे थे कि सीएम शिवराज बाहर हो गए, उनके लिए संदेश साफ है कि सीएम शिवराज आज भी उपयोगी हैं उतना पार्टी के लिए, और बगैर शिवराज के मध्य प्रदेश चुनाव को जीत पाना शायद उतना आसान भी नहीं। आप देखते रहे एमपी तक।